कृष्णा, तो ये सारे भक्त को प्रसाद मिल चुका है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। मैं अभिषेक प्रभु है, प्रसाद मिल गया वो प्रसाद, इतना सारा प्रसाद यार, इतना मत खाओ यार, माता ये अभिषेक प्रभु की माता जी है, बहुत प्रेम करती है मेरे से, मैं भूल गया था इनको, लेकिन माता जी अभी याद लेके आप वृंदावन मिले थे, नहीं माता जी, माता जी प्रसाद बहुत सारा, मैंने सुनिए किस दिन पहले दिया है, मैं मांगता हूँ जी, मेरा है जी, नहीं मेरा ही प्रसाद यहाँ पे है, मैं पाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दो भक्त कितने कष्ट कर रहे हैं, ये हमारे सुबोध प्रभु हैं, प्रसाद अरे फोटो नहीं आ रही है, सुबोध प्रभु बोलो, हरि बोल, हरि बोल, प्रसाद बोल, यार तो कितना खाते हो यार आप, भगवान खाते हैं और जो सेवा कर रहा है उसे कृष्ण चंद्र की प्राप्ति हो, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम। तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रों के मुख्य भगवान खाते हैं, बेस के सबसे हार्ट सॉफ्ट डिवोटी है प्रभु जी, प्रसाद टेस्टी लग रहा है आपको, टेस्टी नहीं लगेगा तो फिर तो किसी को टेस्टी नहीं लगेगा, प्रसाद के शौकीन है, अच्छा प्रसाद हमने पाया नहीं कभी जीवन में, कभी नहीं पाया, इन्होंने कभी जीवन में प्रसाद हमने जीवन में कभी नहीं पाया, कभी जीवन में पा रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, दिव्य है, हरे कृष्ण। आप लोग को भी प्रसाद मिला है क्या, प्रसाद मिला है, हरी बोल, तो ये प्रसाद चेक करा है कि जो बाहर का जो बर्गर होता है और माँ का हाथ खाना, ये प्रसाद बहुत डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्यों होता है, डिफरेंस क्यों होता है, उसमें चेतना का डिफरेंस होता है, चेतना, इसलिए ये प्रसाद है, भगवान को भोग लगाया गया है, तो काफी सही है, वक्त चले गए, मैं किसका बोला अपना, माता जी प्रसाद पाड़ी है, एक्चुअली भक्त का लाइफ कितना ब्लिसफुल होता है, तुम सबको बाहर के लोगों को लगता है कि हम लोग बस हरे कृष्णा धोती पहन लिए, चंडीगढ़ पंडित जी यही टैग चमका देते हैं, जो ऐसा नहीं है बिल्कुल, इस फोन में सारे लोग लिटरेट हैं, सारे पढ़ लिखे हैं, ऐसे मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे चैनल कितना ब्लिसफुल है, राइट, कितना ब्लिसफुल है, कितना मजा आता है, ऐसा नहीं है बहुत सीरियस रहते हैं, चंडीगढ़ बाहर भी चले गए, घर को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, सौरभ को कुछ कुछ गुनगुना रहे हैं यार, सिरधर मैंने हमको नहीं ला रहा, चलो आप ही आ जाओ, ये है सौरभ प्रभु, सौरभ प्रभु के बारे में आपको अद्भुत चीज़ बता दूंगा, पता है क्या, वो ये कि एग्जाम में 12 तारीख को और ये यहाँ पे मायापुर यात्रा घूम रहे हैं, अब इसका मतलब ये है नहीं है कि भक्त लोग कॉन्शियस नहीं होते हैं, पूरा तैयारी करके पहले से बैठे हुए हैं, है कि नहीं, और तब एग्जाम डायरेक्ट जाके लिखेंगे, तो काफ़ी बैलेंसिंग लाइफ है भक्तों का, हरि बोल, और ये बच्चा है, ये छोटा सा देख लो कितना क्यूट है, बहुत शैतानी करता है, किस क्लास में बताना, बहुत पता नहीं करता है लोग, लेकिन अच्छे भक्त लोग अभी खेल रहे हैं, फिर बस यार सारे भक्त चलेंगे कैसे, नहीं मतलब ब्लॉक ना चप्पल पहना, हरे कृष्णा, आगे बताऊंगा।
है पटेल प्रभु हरिबोल, आपसे बस एक क्वेश्चन है, प्रसाद का महिमा को बताना है। अभी कैमरा का एंगल सेट कर, चलो प्रसाद का महिमा बताओ, प्रसाद का महिमा जोर से। बताया जाता है कि प्रसाद और प्रसाद भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो हम प्रसाद जब लेते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध जाते हैं। और कुछ प्रभु जी ने बताया, प्रभु जी ने बताया प्रसाद का मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन, राइट। हम जब प्रसाद पाते हैं तो हम प्रभु को खाते हैं, और जब प्रभु को खाते हैं जब प्रभु अंदर जाएंगे हमारे जितने भी काम क्रोध लस्ट है सब उड़ जाएंगे, और जब उड़ जाएगा हम भक्त बन जाएंगे। हरि बोल, जय। थैंक यू। सबको लग रहा है श्रीधर नरेश पागल हो गया, लेकिन नहीं, आप लोग तो कर रहे हैं। एक और बता दें, आपको बोलने में ज्यादा था, बताइए बताइए। ये तो है भगवान, नाम ही सुनीर भाई वो, तो भगवान का मतलब ये पांचों के दर्शन करो, यही लोग कह रहे हैं भगवान कहाँ है, तो उनको जवाब ये देना है कि ये भगवान आप बारे में दो चावल के पैकेट है, भगवान है ना आपको पांचों इसको लगा के दे दो, भगवान हो गए आपको भगवान। अरे वो प्रभु जी का पैकेट है ना, चलते हैं, मेरा भी प्रसाद पाने का टाइम हो गया, हम भी प्रसाद पाएंगे। आत्मा प्रभु जी को प्रसाद नहीं मिला है, हमको प्रसाद बताना। आपको कोई परेशानी नहीं है ना भक्तों के साथ, मजा आ रहा है? आप तो नए नए हो ना, आपको मतलब क्या क्या फील हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या खुश हैं या नहीं है, कि हम खुश हैं? हम लोग खुश क्यों हैं अपने भक्ति में? हाँ रहते हो अच्छा भक्ति में, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। हाँ भक्ति करने से ही तो सब कुछ है, मतलब इन द सेंस की भक्ति सब कुछ करना है, बट हर काम करना है, बट भक्ति प्रोस्पेक्टिव से। प्रभु जी भी काफी इंस्पायर्ड हुए, और आप माला करना स्टार्ट करेंगे, चैंटिंग वगैरह पहले हम एक दूसरे को मिलवाएंगे, जो पता नहीं उदास क्यों है। ये है हमारे राकेश प्रभु, परेशान हो गए बेचारे, थक गए अच्छा जी। मैं आपसे क्वेश्चन मेरा, अरे एक बात बताओ, हम इतना सारा कैमरा शूटिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, जैसे कि हम अपने प्रभु जी के वीडियो, प्रभु जी के लेक्चर देख के बहुत खुश होते हैं, जोर से बोल दो, मतलब आवाज ही नहीं रह जा रहा है। जैसे प्रभु जी के एक लेक्चर किसी भी लाइफ के लिए काफी है, कोई भी न्यू डिवोटी है वो प्रभु जी के लेक्चर देख सकता है, सुन सकता है, फिर सदा भर रहेगा। प्रभु जी का नाम बता दीजिए। जय नारायण प्रभु जी की। प्रभु जी का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मतलब कि हम अगर वैष्णव के लोटस फिट को फॉलो करेंगे, इन द सेंस कि उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, देन हमारे भक्ति में कोई फॉल्ट नहीं होगा, और प्रभु जी के जैसा डेडिकेशन। हरे कृष्णा, हो गया तो वापस चल रहे हैं हम लोग प्रसाद पाने, मैं भी ज्यादा प्रसाद पाऊंगा। प्रभु जी प्रसाद मिला, प्रभु जी डर लग रहा है, ये आत्मा प्रभु जी कहाँ हम वापस जा रहे हैं, मेरा ही प्रसाद का टाइम हो गया है, और हम भी प्रसाद पाएंगे, और आपको एक भक्त मिलाएंगे, ये है रामू काका, मतलब राम गोपाल, राम गिरधारी प्रभु राम गिरधारी प्रभु आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कि आप जो फूल मंडी में फूल लेने गए भगवान के लिए,
इधर फूल देख रहे थे सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा, अपने सस्ता फूल चुना, फिर इतना नेगोशिएशन में टाइम लगा दिया, सोचा नहीं कि ट्रेन लेट हो जाएगा भाई भागूंगा, ये कैसे कैसे आपका ये